या वो कैसी लगी। और दोस्तों इनमें से जो एक के ये तो कैसे आप सब लोग, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों जैसा कि आप ये पिजन मेरे हाथ में देख रहे हैं, जैसा कि आप पता है हमने इसके लिए एक मेल लेकर आए थे, लेकिन मेल जो है वो उड़ गया था, अभी ये हमारे पास अकेले हो चुके हैं। तो आज के हम इस वीडियो में आज इसको आज़ाद करेंगे। तो चलिए इससे पहले आपको एक और अपडेट देता चलूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को कर लें सब्सक्राइब। से सील थे तो इन्होंने ब्रीडिंग वगैरह स्टार्ट कर ली है, मतलब के तो अब ये जो फीमेल थी अंडे वगैरह देती है हमारे पास। तो अभी फ्रेंड इसका सीन हमने इस तरह करना है कि इसके साथ इस मेल के साथ दो मुर्गियों और इस तरह की ला के हमने इस केज में रखनी है। तो या तो हम इसके इसको इस इधर से इनको निकालेंगे और इनको दूसरे केज में शिफ्ट करेंगे, और यहाँ पर हम जो है डव वगैरह जो है ला के इस केज में। तो चले बिना टाइम जाए इसको कर लेते हैं आज़ाद। तो देखते हैं ये जहाँ से चला जाता है घर छोड़कर या वापस हमारे सेटअप पर आते हैं। तो चले बिना टाइम जाए इसको कर लेते हैं, इसको उड़ाते हैं, अब देखते हैं क्या होता है। आप भाइयों में से किसी को पता है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताएं कि ये जो है ये इसका जो हमारा मुर्गा है तो इसके जो केले हैं इसको काटने पड़ते हैं या इसी तरह होते हैं। प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि काफ़ी कंफ्यूजन थी मुझे। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ये भी बताइएगा कि ये जो फीमेल है इसकी कौन सी नस्ल है। तो इसकी नस्ल के मुझे नहीं पता, और इन दोनों की प्लीज़ क्योंकि पता चल जाए, क्योंकि मैंने बहुत भाइयों से पूछा है लेकिन उनको भी नहीं पता था। तो अगर आप भाइयों में से किसी को पता है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों जो आपको ये जगह नज़र आ रही है, यहाँ पर हम बनाएंगे फाउंटेन अपनी फिशेस के लिए। तो इंशाल्लाह एक ही सेटअप पर बनाएंगे और एक दूसरे सेटअप पर बनाएंगे। तो दोस्तों वो रहा कबूतर, ये हमारा कबूतर ये आसमान में अभी ये उड़ रहे, ये फिर दोबारा से वापस आ रहा है शायद, क्योंकि अभी इसके अकेला था, इसको घर कितना नहीं पता। तो दोस्तों यहाँ पर बिल्ली ने एक हमारे सेटअप पर बच्चे वगैरह दिए हुए हैं, तो उसने काफ़ी परेशान किया हुआ हमें। तो अभी इसका भी कुछ करना है कि अभी जैसे ही मतलब कि आती भी यार रात को बहुत लेट आती है, 10 के बाद ही कभी आती है, तो फिर इसको पकड़ते पकड़ते मतलब कि रात हो जाती है। तो अभी आज इसका कोई सीन वगैरह करते हैं, तो किसी तरह ट्रैप वगैरह बनाते हैं और इसको पकड़ते हैं आज। ये रही हमारी मुर्गियाँ जो उससे हम लाए थे पिछली वीडियो में, अगर आप लोगों को याद हो तो अभी इनको बंद करके रखा हुआ था, लेकिन ये मुझे बीमार लग रही हैं ये वो वाली। तो अभी इसका कोई सीन वगैरह करते हैं, इसको ट्रीटमेंट वगैरह करते हैं इसका, ये ना हो कि मर ही ना जाए। तो रेड पड़ी तो बिल्कुल ठीक है, टैट हुई हुई है इस वक्त। तो आप लोग मिलकर गिर जाएंगे ये वाली जो मुर्गियाँ हम लेकर आए थे, आपको कैसी लगी। शाम का टाइम है, मतलब सूरज वगैरह जो था वो ग़ुरूब हो चुका है, तो अभी मतलब कि बर्ड्स क्या है मुझे नहीं लगता कहीं वापस आएगा, लेकिन यार अंदर से दिल का मुझे कुछ और है, क्योंकि इतने दिन से हमारे सेटअप पर था। तो फ्रेंड ये देखें किसी ने कबूतरों के साथ, मुझे लगता है ये शायद चला गया है, ये सामने आपको नज़र आ रहा होगा, मैं आपको बता सकूँ तो। और दोस्तों मौसम अगर आप चेक कर सकते हैं, फुल बारिश वाला सीन हुआ है। तो दोस्तों ये देख सकते हैं आप, तो आज ये केज खाली हो चुके हैं, तो यहाँ पर हम लकी पिजन ला के रखेंगे। तो ये इसका घर था जहाँ से हमने इसको आज़ाद किए। दोस्तों यहाँ पर एक बुलबुल ने अंडे वगैरह भी दिए हैं शायद, तो क्योंकि उसने मुझे यहाँ से यहाँ पर ही मतलब कि जा रही थी, लेकिन मैंने देखा था तो यहाँ पर गई हुई थी, अंडे वगैरह मैंने देखे तो उसके। तो अभी देखते हैं अगर उसके बच्चे निकल आते हैं तो फिर हम उनको भी एंटेम वगैरह करवाएँगे अगर हो गए तो। तो हमने उसको आज़ाद कर लिया, यकीन जाने काफ़ी खुशी भी हुई है। तो क्योंकि वो हमारे सेटअप पर अकेला था तो मैंने सोचा कि उन्हें इसको आज़ाद कर लिया जाए, तो अब बेचारा इधर चला जाएगा किसी न किसी जगह पर। तो क्योंकि मुझे किसी भाई ने बोला है कि वो भाई सिंपल, तो क्योंकि किसी भाई ने बोला है कि वो भाई सिंपल कबूतर था, क्योंकि हमने इस वजह से उसको आज़ाद किया है। तो अभी हम लेकर आएँगे अपने सेटअप के ऊपर लकी पिजन लेकर आएँगे, तो अभी उसका सेटअप वगैरह हम लगाएँगे, तो हमने इस वजह से उसको आज़ाद किया है। तो ये रही बकरियाँ, आप देख सकते हैं, कमेंट करके जरूर बताएंगे आपको कैसी लगी। और दोस्तों इनमें से जो एक के ये वाली, तो इसके जो हैं बच्चे भी थोड़ी देर तक आने वाले हैं हमारे सेटअप के ऊपर इंशाल्लाह।